कांग्रेसी लीडर मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की सिताइश की और कहा कि बीजेपी ने जो अपने मफाद के लिए राजीव गांधी पर इल्जाम आयद किए थे वो बेबुनियाद है। इन्होंने मजीद अपने ख्याल का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट फोकस के ऊपर जजमेंट क्लीन चिट राजीव गांधी के ऊपर से देने के बाद भी अभी इलेक्शन में बीजेपी को फायदा मिलने के लिए राजीव गांधी का ऊपर एक करप्शन चार्जेस बार बार बोलना और राजीव गांधी फैमिली 10 डेज रेस्ट लेने के लिए मेयरशिप में गया तो उसका भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के अभी पब्लिक में बोलने से पूरा उसको कंडेम कर रहे। अब राजीव गांधी क्या करा 5 साल में, आप क्या करा एक बार देखो। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया के लिए जो भी करना है एज प्राइम मिनिस्टर उन्हें करा। पंजाब एग्रीमेंट, असम एग्रीमेंट, मिजोरम एग्रीमेंट, ये लोग इंडिया के खिलाफ फाइट करने वाला उनसे एक एग्रीमेंट करा, उससे इंडिया एक इंटीग्रेटेड कंट्री अभी तक कंटिन्यू हो रहा। वही नहीं 18 इयर्स यूथ को इलेक्शन करने का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाके अब 18 इयर्स यूथ कैन वोट फॉर इलेक्शन एमएलए एमपी और जो भी इलेक्शन है उसको देने के लिए एक अमेंडमेंट लाया कॉन्स्टिट्यूशन। वही नहीं अब इंडिया में ये सेलफोन जो भी आया है कलेक्टर